Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So students, this is my video on insects and I made this video specially for your homework. Okay, so we have learned about what are insects and are the insects your friend or your enemy? Insects aapke dost hain, aapke dushman kya hain? Most of the times you scared from them. So anyhow, it's about your homework. You have to write these questions on your notebook. Okay, which insect is the best? Are there any in your home? आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो पेस्ट होता है. मैंने आपको बताया था वीडियो में कि पेस्ट कौन से होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन. व्हाट आर एंटीना? व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? We have discussed in the lecture. Do all insects fly? If some not fly, then you have to mention their name. Here is new thing for you. No, all the insects do not fly. सारे insects fly नहीं करते, ये तो हमें पता है. For example, चींटियां हैं वो जो है उड़ती नहीं है. इसके अलावा घरों में या different ponds में एक silver color की fish होती है, मतलब बहुत लाइक बारीक सी पतली सी होती है. एंड इट सीम्स टू बी लाइक एन फिश, सिल्वर फिश. वो भी एक इंसेक्ट है और घर में जो बहुत ज़्यादा डैम्प प्लेसेस होती हैं वहाँ पर होती है, या फिर जो डर्टी पॉन्ड्स होंगे, जो क्लीन वाटर के पॉन्ड्स नहीं होते वहाँ पर होती है. उसके अलावा लाइसिस जुए वो भी नहीं उड़ती. ओके, उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 26 to 27 जो मैंने वीडियो में की है. और उसके अलावा आपने अपनी बुक के लास्ट पे, चैप्टर के लास्ट पे सॉरी, एक्सरसाइज होगी पेज 27 to 28. वो एक्सरसाइज जो है वो आपने सॉल्व करनी है. मैं आपको उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको सॉल्व की हुई जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको शेयर की है. ओके, तो वो एक्सरसाइज आपने वहाँ से देख के जो है उसे सॉल्व करना है. ओके, सो फॉर दिस लेक्चर इट्स एन एंड. टेक केयर ऑफ सेल्फ. Thank you so much. Allah Hafiz.